आप सब लोग, मेरा एक सवाल भी है। आदिवासी जंगलों में तब से निवासरत हैं जब से यहाँ कोई सरकार नहीं थी और आदिवासी जंगल को संरक्षित करके रखा, और आज उन्हीं को उस जंगल से बेदखल किया जा रहा है। फिर सवाल उठाया सरकार के ऊपर, 17 करोड़ रुपए सिर्फ उसके प्रचार में लगाओगे, बेहतर है कि इस पैसे को गांव गांव में जाके कैसे लोगों का फोन भरवाए उसमें आप लगाएंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि सरकार है, पैसा तो खाना है, कैसे न कैसे तो निकालना पड़ेगा। और जहां तक जन जागरूकता की बात है आदिवासियों की, उनको तो इतना रट गया है कि हमको जमीन लेना है, हमको ये फार्म भरना है, मतलब सैकड़ों बार भर चुके वो एक एक आदमी, और अपने घर के अनाज पानी बेच के जो भी जेवर जाटा उनके पास होता है वो बेच बेच के जिला कार्यालय में आके परेशान है वो, और अब उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, थक चुके हैं वो लोग। पर शासन प्रशासन बिल्कुल खामोश है, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है चाह रही है कि आदिवासियों को उनका अधिकार पत्र मिले। अब वो लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद, शांतिपूर्वक लड़ने के बावजूद ढेरों केस उन पे लगते हैं अगर आप अपना अधिकार मांगते। तो हमारा डिस्कोर्स बदलना है, हमारा डिस्कोर्स ये है कि हम बैठेंगे और तय करेंगे हम सरकार को जमीन कितनी देंगे। सरकार कौन होती है बताने के लिए कि वो हमें जमीन क्यों देगी, क्योंकि जमीन हमारी है, जंगल हमारा है, हम तय करेंगे। और वन अधिकार कानून ये नहीं कहता है कि वो हमें अधिकार देता है, वो रिकग्नाइज कर रहा है। वो कानून की भाषा क्या है, इट रिकग्नाइजेस द राइट्स एंड वेस्ट द राइट्स इन द पीपल। तो आप हमारे अधिकार को, जंगल के अधिकार को मानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो शपथ पत्र दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इस गलती को मानते हैं कि जब डीएलसी में जब दावे आए तो हम लोगों ने ग्राम सभा को किस कारण से वो खारिज हुए हैं वो ग्राम सभा को हमने जवाब नहीं दिया है, वो हमारी त्रुटि है, ये शपथ पत्र में उन लोगों ने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि एक साल का समय कम से कम हमको चाहिए, लेकिन लेकिन जितना तेजी से समय निकल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक वन मित्र करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया महाराष्ट्र के तर्ज पे, और उनका क्या और बनाया, उन्होंने क्या किया है कि 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ग्राम सभा करके 3,60,877 दावे ग्राम सभा में 5 दिन के अंदर रख दो, जो संभव नहीं है। तो उन्होंने हमको कहा कि हम इस वन मित्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से गांव गांव में हम टेबलेट बांटेंगे, वन मित्र की तैयारी कराएंगे और ऑनलाइन जमा करेंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा इस वन मित्र सॉफ्टवेयर में यह है कि एक आदिवासी जब ग्राम सभा के माध्यम से उसको देता था तो उसका कोई खर्चा उसमें नहीं आता था। अब वो ऑनलाइन के लिए उसको एक तो जो टेबलेट आपने बनाया, जब आप गांव में गए तो गांव में इंटरनेट की सुविधा है नहीं, आप टेबलेट ले जाओगे कंप्यूटर रखोगे तो उसको रखने का कोई है नहीं कारण, क्योंकि जहां पर नेटवर्क है वहां चलेगा, लेकिन हमारा जो आदिवासी बहुत इंटीरियर क्षेत्र में रहता है जब बिजली भी नहीं है तो वहां कैसे चलाओगे, कि हमने उनके सामने प्रश्न रखा जिसका जवाब नहीं था। तो बोलते अंग्रेज आए टेबल और कुर्सी पर बैठ के कागज कलम से लिख दिया कि जंगल उनका, तो हम अपने ही जंगल में चोर बन गए। और आज तक हमने उनको उस नजरिए से ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है उस जमीन में, उस रिसोर्स में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संविधान ने जिस राज्य को हमारी रक्षा के लिए बोला है, हमारे अधिकार के लिए बोला है, उसी सरकार को हमारी रिसोर्सेज पे वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो हम उन्हीं से लड़ रहे हैं पूरा टाइम, हम लड़ते किससे, अपनी सरकार से लड़ रहे हैं। तो लगातार हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि लड़ाई शायद सिर्फ जमीन पर संघर्ष करके नहीं चलेगी। हमारे मध्य प्रदेश में 47 विधायक आदिवासी चुन गया है, और हमें लगा कि ये आदिवासी ही है, वो ये जन प्रतिनिधि है, तो हम जन संगठनों के लोगों ने एक मंच बनाया, हमने प्रयास किया कि हम आदिवासी जन प्रतिनिधियों तक पहुंचेंगे, और 47 आदिवासी जन प्रतिनिधियों के क्षेत्र में जा जाके कहा कि आज आदिवासी समाज संकट में है। आपको कानून में उलझा दिया, हम कानून का जवाब देंगे, उन्होंने एक और कानून निकाल दिया। हम वन अधिकार पर लड़ते रहे, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट डाल दिया, उस अमेंडमेंट में एक हाथ से देंगे और 4 हाथ से वापस लेंगे। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि आदिवासी के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो आदिवासी के अधिकार में उसको जिस चीज से सहूलियत हो ऐसी चीजें निकालनी है। तो एक झारखंड के भाई ने कहा, शेर पहले थे ज्यादा या अब? तो मैं भी आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, पहले वन ज्यादा था कि अभी है वन ज्यादा?
सवाल भी है वन विभाग के लिए कि वन इतना बृहद मात्रा में था, पूरे जंगल ही जंगल था, तो अब वो कहाँ गया? उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह आप लोग लगा सकते हो।